लड़की है, जो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी कि कई लड़के उसके दीवानी थे एंड दे वॉन्टेड टू मैरी हर पर वो लड़की लस्ट एंड लव की दुनिया छोड़ के नन बनने का डिसीजन लेती है और वो भी इसलिए नहीं कि उसे एक स्पिरिचुअल लाइफ जीना था पर उसने ये डिसीजन इसलिए लिया सो so दैट वो चर्च की लाइब्रेरी जा पाए ना, उस लाइब्रेरी के बुक्स को पढ़ के वर्स नन की जर्नी शुरू हुई तो चलिए जाते हैं सिक्सटीन फोर्टी एट के साल में अभी हम हैं स्पेन में तब मेक्सिको सिटी जो था वो स्पेनिश एम्पायर के अंडर आता था मेक्सिको के पास सैन मिगाल नपान टेकर के एक जगह थी यहाँ पे ग्वाना इन डैड जो थे वो मिलिट्री में परफॉर्चुनेटली ग्वाना के पैदा होने के 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 बाद वो उसकी मॉम को छोड़ के चले गए पर के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो स्पेन के रहने वाले थे एंड के रॉयल कोर्ट में उनकी एक अच्छी पोजिशन थी उन्होंने ग्वान उसकी बहनों की उसकी माँ की काफी मदद की ग्वाना इनावे रॉयल फैमिली के बीच में ही बड़ी हुई थी उसे पढ़ना काफी पसंद था पर उस जमाने में लड़कियां स्कूल तो जा सकती थी पर हायर एजुकेशन सिर्फ लड़कों को अलाउड था गुआनो ने जैसे ही स्कूल खत्म किया उसने अपने माँ से कहा कि उसे हायर एजुकेशन के लिए जाना है एंड वो एक लड़के की तरह तैयार होकर जाने के लिए भी तैयार है सो वहाँ कोई उसे पहचान ना पाए पर उसकी माँ ने उसे मना कर दिया जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से किताबें लेती है और उसे पढ़ती इसी दौरान उसने फिलोसफिकल डिबेट सीख लिया देन लैटिन के साथ साथ और भी कई भाषाएं सीख ली वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी कि उसकी इंटेलिजेंस की चर्चा शहर में होने लगी जिसके बाद मेक्सिको सिटी के रॉयल कोर्ट में भी गुआना का नाम सुनने मिला गुआना को रॉयल कोर्ट में बुलाया गया एंड तब वो सिर्फ सोलह साल की थी उसको देख के रॉयल कोर्ट के जो वाइस रॉय थे वो काफी हुए तो वाइस रॉय एंड उसकी वाइफ ने ये डिसाइड किया कि वो गुआना को लेडी इन वेटिंग अपॉइंट करेंगे लेडी इन वेटिंग वो औरतें होती थी जो रॉयल्स को असिस्ट करती जैसे ही गुआना महल में रहने लगी वहाँ के जो नोबल मैन थे वो उसे देख के उसके बात करने के तरीके से काफी हुए धीरे धीरे रॉयल कोर्ट में गुआना के इंटेलिजेंस के बारे में बात होने लगी मेन वेर शॉक कि कैसे एक फीमेल इतनी इंटेलिजेंट हो सकती है इवन वाइस रॉय वॉज क्यूरियस टू सी कि क्या गुआना आदमियों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है इस वजह से एक दिन उन्होंने क्या किया कि कई ऐसे आदमियों को बुलाया जिनका हायर एजुकेशन हो चुका है ये पैनल में थियोलॉजियंस थे यानी की जो रिलीजियस बिलीफ के बारे में पढ़ते हैं जो लॉ के एक्सपर्ट होते है एंड मैथमेटिशियंस भी सब मेल थे अन इन सबके सामने ग्वाना को बिठाया गया एंड फिर ये आदमियों को बोला गया की टफ तफ से टफेस्ट क्वेश्चन ग्वाना को पूछा जाए पर जो भी सवाल पूछा जाता उसका जवाब ग्वाना काफी स्मूथली दे देती चाहे फिर वो क्वेश्चन हो या मैथमेटिक्स का कोई हार्ड इक्वेशन सबका जवाब उसके पास था ये इवेंट के बाद रॉयल कोर्ट्स के जो आदमी थे ना वो और भी ज्यादा ग्वाना में रुचि दिखाने लगे और ग्वाना को तो पोएम्स एंड प्लेस लिखना काफी पसंद था वो एक ऐसी औरत थी जो आदमियों की हिपोक्रेसी के बारे में खुलेआम अपने पोएम्स में बात करती जैसे कि एक पोएम उसने लिखा था जिसका टाइटल था फूलिश मैन ये पोएम के स्टार्टिंग लाइन कुछ इस तरह थे यू फूलिश मैन हू ले गिलेरी कॉन्ट्रोवर्सी मैक्सिको में किया। कुछ लोगों को ऐसा लगा की ग्वाना है पर कुछ लोग ये पढ़ने के बाद ग्वाना को और भी ज्यादा एडमायर करने लगे कई मेल्स इवन ग्वाना से शादी भी करना चाहते उन्होंने जाके उसे प्रपोज भी किया पर ग्वाना को प्यार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी उसे तो नॉलेज चाहिए था जो उस जमाने में लड़कियों को आसानी से नहीं मिलता था फिर उसने एक दिन देखा कि चर्च की जो औरतें होती है उन्हें काफी इजीली बुक्स मिल जाते हैं क्योंकि चर्च के अंदर ही लाइब्रेरी है जो जनरली वहाँ के नन्स ही हैंडल करती है उसे ही एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी जिससे वो और भी नॉलेज बिना किसी परेशानी के हासिल कर सकती थी इस वजह से उसने बीस साल की उम्र में कॉन्वेंट ऑफ सेंटापॉल में जाने का फैसला किया वहाँ जाके वो नन बन गई एंड उसका नाम पड़ा सौर गुआना इन दल अक्रूस कई साल तक सोर गुआना चर्च में रही एंड चर्च की एक अहम मेंबर बन गई उसी दौरान उसने कई प्लेज एंड पोएम्स भी लिखे इवेंचुअली फिलोस एंड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर उसने कई किताबें लिखी देखते देखते चर्च की लाइब्रेरी और बड़ी होती गई गुआना के राइटिंग्स के चलते स्पेन के दूसरे स्कॉलर्स भी गुआना से मिलने आते पर धीरे धीरे गुआना की जो थिंकिंग थी उससे चर्च के जो डोनर्स थे ना वो ऑफेंड होने लगे वो गुआना के आउटस्पोकन बिहेवियर को गलत मानते जिस वजह से मेक्सिको सिटी का जो बिशप था उसने गुआना के अगेंस्ट आपत्ति जताई एक आर्टिकल था जिसमें उस बिशप ने लिखा था कि ग्वाना को गॉड के डिवोशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए एंड डिबेट करने में कम इन शॉर्ट वो बिशप ये बिलीव करता था दैट वुमेन शुड नॉट बी सॉट स्पोकन ओनली मैन हैड द राइट टू डू डिबेट्स ऑल। पर गुआना ने इसका जवाब देते हुए उसके आर्टिकल में ये लिखा कि गॉड वुड नॉट इट जिसका मतलब है कि गॉड वुमेन को दिमाग देता ही नहीं अगर उन्हें चाहिए रहता कि वो उसे यूज़ ना करे उन्होंने दिया है है इसका मतलब ये है he wants woman to speak up. ये दैट ही वुमेन टू स्पीक अप जो बिशप गुआना का झगड़ा चालू था इसके बारे में जब मेक्सिको के आर्च बिशप को पता चला तब वो काफी नाराज हुए एंड वो भी उस जमाने के हर पावरफुल मर्द की तरह ये सोचते थे कि गुआना गलत है सोचो ये लोग जो खुद को इतना पावरफुल बताते थे, थे वो एंड में एक औरत के कलम की शक्ति से डर गए और ये डर इतना बढ़ गया था इनके बीच में कि इन्होंने गुआना को उसके पावर से हटाने की कोशिश की एंड चर्च को पैसा देना ही बंद कर दिया जिसके बाद सो गुआना को मजबूरी में उसकी कई किताबें बेचनी पड़ी एंड ईवन उसे प्रेशराइज़ किया गया कि वो आगे से ऐसे कोई भी पोएम्स या आर्टिकल्स नहीं लिखेगी जो स्पेनिश आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है बिशप ने उसे यह भी बोला कि उसे अगर चर्च में बने रहना है तो उसे अपनी गलतियों के लिए लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ेगी एंड ये बोलना पड़ेगा कि वो अपनी गलतियाँ रियलाइज करती है एंड आगे से वो ऐसा नहीं करेगी ऊपर से उसे चर्च के दूसरे नंस को भी बचाना था एक्सप्लॉयट होने से तो इस वजह से वो माफीनामा लिखने के लिए मान गई बट इस बार जब उसने ये लेटर लिखा बिशप के लिए तब एंड में उसने अपना नाम यूज नहीं किया डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए इंस्टेड उसने लिखा कि आई द वर्स्ट वुमेन ऑफ ऑल वो भी अपने खून से उसने लिखा यहाँ से वो एज वर्स्ट नन इन द हिस्ट्री के नाम से मशहूर हुई क्योंकि उसने खुद को ही ये नाम दिया था आदमियों के नजरिए से शी वॉज द वर्स्ट वुमेन बिकॉज वो गलत को गलत और सही को सही बोलने का दम रखती थी तो उसी गुस्से में उसने उस दिन उस डॉक्यूमेंट को वर्स्ट वुमेन के नाम से साइन किया अल्टीमेटली बाद में जाके स्वार्गवाना को चोट से दूर होना पड़ा एन वो चैरिटी के काम में लग गई लेटर 1695 के साल में मेक्सिको में प्लेग आया जिसके चलते सौर की बहनें बीमार पड़ गई बहनों का ध्यान रखते रखते वो भी इससे इन्फेक्ट हो गई एंड उसी साल में 47 सेवन की एज में शी पास को चाहे उस जमाने में वो रिकॉन्शन ना मिला हो जो वो डिजर्व करती थी बट लेटर हर वर्क वॉज रिकॉग एंड शी वॉज फेमिनिस्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड सो जस्ट टू सीक नॉलेज ग्वानाई वु एंड दिसोरी बाई अट विस आई डो नॉट स्टडी टू नो मोर बट टू इग्नोर लेस एंड ये कोड सॉर ग्वाना इन इज दलक्रूज नहीं लिखा था सो या दैट से डोट लेट मी नो वॉट थॉट से बात सॉर ग्वाना एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलोज ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस लाइक एंड शेयर करे और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू